अब भाई मेरी बेगम ही नहीं हो, मुझे क्या पता हो। हाउ शुड आई आंसर दिस, आई डोंट हैव एनी बेगम। वैसे आपकी उम्र कम से कम 95 तो होनी चाहिए मेरे अंदाजे के मुताबिक। औरतें नागन बन जाती हैं। सर शर खोला कभी किसी लड़की का? पर डीजे खान दे लोग बहुत सोने। खूबसूरती का राज क्या आपकी? क्यों आपने सब एमएनए से ज्यादा खूबसूरती रखी हुई? Well, that's a compliment, but I don't think so कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मेरा ख्याल है कि और भी बहुत खूबसूरत लोग हैं, और पाकिस्तानी तो हैं ही बहुत खूबसूरत। पाकिस्तानी वेल ड्रेस्ड हैं, खूबसूरत हैं, और फेस फीचर्स पाकिस्तानियों के बहुत प्यारे हैं, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एजुकेटेड है, तमीज़ है उनमें। तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तानी हैं ही खूबसूरत, शायद इसलिए। खूबसूरत तो हैं जो जितने लोग, जितनी फीमेल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इलेक्शन जीत गई, उन सारों में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हैं। इसका पहले तो मुझे राज बताएं कि क्या करती हैं, कितना मेकअप करती हैं, कितना खर्चा करती हैं, खुद को आपने जवान रखा हुआ। वैसे आपकी उम्र कम से कम 95 तो होनी चाहिए मेरे अंदाजे के मुताबिक। अच्छा, अगर 95 होनी चाहिए तो मैंने सुना है, मैं बचपन में वो कहानियां पढ़ती थी, उसमें तो ये होता था कि अगर आप 100 ईयर्स के बन जाते तो आप सांप बन जाते। ये तो फिर वो वाला मकाम आने वाला है, औरतें नागन बन जाती हैं। लेकिन ये कि जहाँ तक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें कि जो ख्वातीन जीत के आए, फिर इसका वाले कंपटीशन तो कोई था ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं ही जीत के आई हूँ, बाकी सब रिजर्व सीट ही। जी, मैं ही सिर्फ जीत के आई हूँ, तो इसका मतलब कि मेरे सामने फिर कोई कंपटीशन ही नहीं था। बाकी सब आपसे नीचे? नहीं, साड़ी बहुत खूबसूरत है। और देखिए, मैं फिर वही बात, आप खुद किसी से जलती हैं कि नहीं यार फलां जो एमएनए है ना वो मेरे से ज्यादा खूबसूरत? जिस तरह आम औरतों का आपस में एक होता है, कुछ किसी एक का नाम बता ही दे। देखिए, वो एक वो पढ़ी हुई थी कहीं पर कि देयर इज अ स्पेशल प्लेस इन अ हेल फॉर अ वुमन हु डोंट गिव स्पेस टू अनदर वुमन, मतलब या हु डू नॉट सपोर्ट अदर वुमन। जो खातून दूसरी ख्वातीन को सपोर्ट नहीं करती हैं, उनके लिए जहन्नम में स्पेशल जगह है। आई डोंट वांट टू बी दैट लेडी, आई वांट टू सपोर्ट एवरी लेडी, आई वांट टू सपोर्ट एवरी वुमेन, नॉट इवन जस्ट पार्लियामेंटेरियंस, ऑल ऑफ द फीमेल। इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने हर वो मकाम हासिल किया। ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, स्पीकर बनी है, डॉक्टर्स बनी, इंजीनियर्स बनी है, और फाइटर पायलट बनी है। लीडरशिप का रोल इनका, मदर्स का रोल है। मैं समझती हूँ कि इतनी खूबसूरत ख्वातीन हैं, कैरेक्टर बेसिकली होता है। हमारी ख्वातीन वफादार बहुत हैं, हमारी ख्वातीन रिजिलिएंट बहुत हैं, पोटेंशियल बहुत है, और हमारे माशरे में सरवाइव करती हैं। इस्लाम ने तो उनको बहुत हकूक और इज्जत दी। सर शर खोला कभी किसी लड़की का? नॉट एट ऑल, फिजिकल लड़ाई तो कभी की नहीं है। एक्चुअली मेरी कंपनी वैसे अपने दो भाइयों के साथ भी थी, लड़कों की तरह हम इकट्ठे ही होते थे। आई यूज्ड टू बी वेरी टॉल एंड थिन, और मेरे शॉर्ट हेयर होते थे, तो अपने दोनों भाइयों के साथ, शायद लड़कों को जरूर मार रहा हूँ, लड़कियों को नहीं मारा। तो वो नहीं, वैसे लड़कों को मारा है। बालों से पकड़ के तो नहीं मारा? नहीं, इतने बाल नहीं होते थे, लंबी बहुत ही, तो कोई बराबर का मुकाबला हो जाता था। अब अगर उससे ऊपर की आपकी पढ़ाई की बात की जाए, आप एक दिन स्कूल से बाहर निकली, एक अंकल है उनका नाम है हमायूं, उन्होंने आपको स्माइल पेश की और बस दिल दे बैठे सनम, ये कैसे हुआ? मैं आपको बताऊं, जो मेरा छोटा भाई जिसके साथ मेरी दोनों भाइयों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप थी, मैं इकट्ठे स्कूल भी पढ़ते थे, तो ही यूज्ड टू से लाइक दैट के मम्मी बाबा को के मम्मी जब हम बाजार जाते हैं तो शॉपिंग मॉल्स में अगर आप देखें, देर आर वेरी प्रिटी गर्ल्स, और एक गंजे आदमी के साथ जो है ना वो जा रही होती है, जो लगता है शायद बहुत अमीर होगा, और उसने शॉपिंग बैग्स उठाए होते हैं, तो ये खूबसूरत लड़कियां जो है ना, ये ज़्यादा खूबसूरत लोगों से शादियाँ इनकी नहीं होती, ये बेवकूफ़ होती है, या पता नहीं नसीब की बात होती है, ये पैसे के पीछे। तो ये ना हो कि इन सब का भी यही हाल हो जाए। वी आर फोर सिस्टर्स, हम चार बहनें, तो उसका मजाक हमारे साथ शुगल चलता रहता था। तो मेरी अम्मी को फिर सबसे ज़्यादा ये था कि हाँ, जो सरताज की शादी हो ना वो स्मार्ट ज़्यादा हो, कोई इस तरह का हाल ना हो जाए। तो अख्वंद हुमायूं खान इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, बहुत एजुकेटेड है, उन्होंने MBA किया हुआ है, फिर लॉ किया हुआ है, GC उससे पढ़े हैं, और डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक है। उनके जो दादा थे वो भी 1937 में MLA थे, फर्स्ट ग्रेजुएट थे अलीगढ़ के,
बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली अखवंत कहते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि देखिए उन्होंने मुझे स्पेस दी है, मेरा लीडरशिप रोल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो खात है ही, मुझे टिकट भी दिया। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से मैंने अपनी सियासत को स्टार्ट किया, यूथ से कमेटी की मेंबर बनी, टिकट लिया और मैं जीती। लेकिन अगर मेरे बाबा, आई एम माई बाबाज डॉटर, मेरे बाबा ने मुझे हमेशा प्रिविलेज दिया और मेरे बाबा ट्रीटर्स लाइक प्रिंसेस मेरी बहनों को। जब भी बहन भाइयों में कोई लड़ाई हो जाती थी, मेरे बाबा ने कभी भाइयों को ये नहीं कहा कि तुम्हारी गलती या उसकी गलती है, बाबा कहते थे गलती भाइयों की है, यानी हमें उन्होंने इतना प्रिविलेज दिया। तो लेकिन अगर ये सपोर्ट मुझे आगे हुमायूं खान ना देते तो मैं सारी बातें उस तरह ना, देखिए जो खातून कामयाब है इसका मतलब कि उसको घर से सपोर्ट है, उसके पीछे उसका वालिद भाई या हस्बैंड खड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर की लड़ाई भी लड़े और आप घर की लड़ाई भी लड़े, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल एट अ टाइम। आप पूरा दिन आवाम के साथ खप खप आके वापस आएँ और आपके घर का माहौल भी अच्छा ना, इट्स नॉट लाइक दैट। तो हुमायूं खान इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, बहुत खूबसूरत है। मैं तो उनको कहती हूँ कि सरायकियों में अगर कोई सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वह अखवंत हुमायूं खान ही है, इसलिए मुझसे शादी होगी। और इस तरह के शोहर हर लड़की को अल्लाह दे, आपकी यही ख्वाहिश है? नहीं, देखिए नसीब अच्छा हो, हर लड़की का नसीब अच्छा हो। और सबसे बड़ी बात ये, शादी कोई एक दिन का काम नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और शादी को निभाना, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद आप में उस तरह एक स्पार्क ना हो आपके जहन में हो कि हर रोज ही आप जी दरख्तों के गिर गिर झूल के गाने गा रहे हैं, या आप जी हर रोज आप सैर करने जाएंगे। हनीमून टाइम एक खास टाइम के लिए होता है। आपने हुमायूं खान साहब की बात की कि उन्होंने LLB किया हुआ है, मेरे मौकिल ने बताया है ख्वाहिश आपकी थी पर उन्होंने पहले एडमिशन ले लिया और फिर वो आपको जूनियर करना चाहते, तो वो क्या वाकया था? जी बिल्कुल ऐसे ही था, मैंने उनसे कहा कि ये उन्होंने ज्यादती तो की ना। जी बस ये हम एक दूसरे साथ करते रहते, कोई इशू नहीं है, मैं भी कभी कभी अपना बदला ले लेती हूँ। मैंने उनसे कहा कि जी खान साहब मैं डेरा गाजी खान में खाना पकाती हूँ, तो खाना पकाने के लिए कोई और आ जाता है, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ कोई और करके दे देता है, मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, तो आप मुझे फिर लॉ में एडमिशन दिलवा दे, मैं NC ग्रेजुएट हूँ। कहते हाँ ठीक है तुम लॉ कर लो। मैंने वैसे पॉलिटिकल साइंस कॉलेज में पढ़ी हुई थी, तो मेरा शौक था कि मैं लॉ कर लो, और मेरे ख्याल में एज ए पार्लियामेंटेरियन आपको लॉ की नोहा होनी भी चाहिए। तो एक दिन मेरे सामने लेटर आया, मैंने वैसे खोला तो उस पर लिखा हुआ था अखवंत हुमायूं खान यू गॉट एडमिशन इन द लॉ। मैं कहा ये क्या है? कहते तो और क्या, तुम मेरे जूनियर आके बनोगे। हाँ पीछे हो गए। फिर मैंने खैर एडमिशन ही नहीं लिया, क्योंकि मेरी फिर बेटी शाला ही पैदा होगी, तो उसके पूरे प्रोसेस में मैं नहीं कर सकी, बट आई शुड हैव डन दैट। अब आपने बेटी की बात की तो मुझे बेटी से एक बात याद आ गई, वो एक बहुत खूबसूरत डायलॉग बोलती हैं, PDM में लड़ाई होगी। शी नो, ये जो पॉलिटिशियन के बच्चे होते हैं ना जो सियासत के अंदर ही आंख खोलते हैं, जारी बात है उसने मुझे अपनी मदर को और अपने वालिद को दोनों को, उसने अपने अम्मी बाबा को पब्लिक में जाते देखा है, स्पीच करते देखा है, लोगों से मिलते देखा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पार्टी का झंडा उठा के देखा है, नए पाकिस्तान की तब्दीली की खातिर लड़ते देखा है। तो ये बच्चे भी जो है ना हर चीज़ का उनको पता है। बल्कि एक दफ़ा तो बड़ा मज़ेदार वाक्य हुआ, मैं डेरा गाजी खान में मैं स्पीच कर रही थी, तो जब मैं स्पीच कर रही थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि जो मेरा डाइस था ना वो प्रॉपर जज्ले की तरह ना हिलना शुरू हो गया। मैंने इधर उधर देखा स्पीच करते हुए कि क्या सारी चीज़ें हिल रही, अर्थक्वेक आ गया, तो पता चला कि नहीं। मैंने इधर देखा इधर कर देखा तो शाला लई जो है ना, जो मेरी बेटी है वो उस वक्त बहुत छोटी थी, वो डाइस के अंदर बैठ के उसको हिला रही थी। फिर हमने सारे माइक पकड़े, तो ये हो जाता है। या ऐसा मज़ेदार होता था सीन के, ऐसा होता था कि हम जलसे में डेरा गाजी खान में जो तकरीर करते थे, तो मैं मोस्ट सीनियर आखिर में तकरीर करती, तो मुझसे जो सेकेंड लास्ट हुमायूं खान, वो भी 2013 में इलेक्शन लड़े हुए हैं MPA का, तो वो जाके स्पीच करते थे, तो जैसे वो स्पीच के लिए उठते थे मेरे साथ साथ वाली सीट खाली हो जाती थी, तो वो हमारे यंगस्टर्स की ख्वाहिश होती थी कि वो यहाँ बैठें और मेरे साथ सेल्फी उतरवाएं जब तक हुमायूं खान की स्पीच नहीं हो जाती। ये किसी को बैठने नहीं देते थे, दिस इज माई बाबा चेयर, दिस इज माई बाबा चेयर। कोई भी ना बैठे, कोई भी ना बैठे। डीजी खान ज्यादा खूबसूरत है या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद खूबसूरत है, बट डीजी खान इस्लामाबाद ही खूबसूरत है। नो, मेरा पूरा फिक्र है, इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है लैंडस्केप, लेकिन सोना तो सोने लोग तो ओनली डीजी खान के। देखिए जिन लोगों ने मुझे इज्जत दी, जिन लोगों ने मुझे धी रानी कहा, जिन्होंने मुझे, जिसके बारे में लोग कहते थे काला पानी, मैं जब पहले जाती थी कि डीजी खान से, वो कहते थे डेरा इस्माइल खान, मैं कहती हूँ नहीं भाई ये पंजाब के अंदर है।
तो जो डेरा गाजी खान के लोगों ने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया, शहूर का इज्जत का सबूत दिया, मुझे वोट दिया, इनसे ज्यादा इज्जतदार लोग नहीं, इससे ज्यादा खूबसूरत लोग नहीं, दिल वाले लोग नहीं। अभी पिछले दिनों जब हुमायूं खान को हार्ट का इशू हुआ था, यकीन करें पूरा डेरा गाजी खान हॉस्पिटल इकट्ठा हो गया था। मेरे ऐसे खूबसूरत लोग हैं डेरा गाजी खान के, मेरे सराय की बलोच का कोई मुकाबला नहीं है। डीजी खान ने इस्लामाबाद दी गल ही कुछ और है। ना डीजी खान दी गल कुछ और है। इस्लामाबाद तो लैंडस्केप तो बहुत सोना है, पर डीजी खान दे लोग बहुत सोने। कितने? बहुत ज्यादा, जैसे अखंड हुमायूं खान है। वो खूबसूरत है, खूबसूरत तो आप हैं, पर आप लाहौर से आई? नहीं मैं लाहौर से नहीं, मैं वजीरिस्तान। मुझे पता है आप वजीरिस्तान से हैं। पख्तून संगे ठीक ठाक से पश्तून पश्तून आए हो। यार खवातीन किसको बुरी लगती होंगी? क्यों खवातीन को? मुझे नहीं समझ आ। खवातीन तो अच्छी लगती हैं, तो फिर ऐसा कानून क्यों नहीं निकालती कि हर मर्द पहले दिन ही 4 शादियां कर लेता कि मर्द भी खुश हो? सिर्फ कानून यही क्यों? इसमें हमें अच्छा लगता है। ऐसा कानून क्यों ना निकाले कि पार्लियामेंट में सिर्फ खवातीन आएंगे? नहीं ऐसा नहीं। आप देखिए, आप इतने मिनिस्टर हैं, हम आवाम हैं, हमारा हक बनता है कि हम आपके सामने रिक्वेस्ट करें। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कानून निकालें कि 18 साल के बच्चे की शादियां 4 हो जाए, बच्चा खुश। नहीं, देखिए शादी इज नॉट है सुन्नत नबवी है, ठीक है, लेकिन देखिए इसके बावजूद भी ये अपनी जगह मजाक तो ठीक है, 4 शादियां 2 शादियां जो वो है, लेकिन देखिए बात फिर वही, आप हक पे हो, आपने क्या बाकी इस मोमेंट सारे काम ठीक कर लिए हैं जो यही वाला फर्ज सिर्फ रह गया है? देखिए आपने कमाना भी है, आपने आगे बच्चे भी पालने, आपने घर को भी चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हक हलाल की रोजी रोटी भी कमानी है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि जिसका हक है जो अफोर्ड कर सकता है करे, जो इंसाफ कर सके। देखिए पहली बात तो इंसाफ की है ना। नहीं, इंसाफ हम करेंगे, हलाल कमाएंगे, आप ये कानून पास करवा दें। मैं बिल्कुल वैसा कोई कानून नहीं पास करूंगा। हम आपके वोटर्स हैं। नहीं, आप शरिया लॉ पे कर लेना, शरिया लॉ में तो है ना, आपकी शरीयत में तो है ना, क्या और लॉ पास करने की जरूरत है? शरीयत में तो है। शरीयत में है, मगर कंपल्सरी क्यों नहीं? नहीं, कंपल्शन हो नहीं सकती ना, ये तो आपकी चॉइस है। अगर एक शख्स अपनी सिर्फ एक बेगम के साथ खुश है तो हम क्यों कंपल्शन उसके ऊपर लगाएं? ऐसा ही एक बेगम से तो कोई खुश नहीं होता, 4-4 से हम लोग खुश नहीं होते। भाई मेरी बेगम ही नहीं है, मुझे क्या पता हो। हाउ शुड आई आंसर दिस? आई डोंट हैव एनी बेगम। यू शुड आस्क अ मैन हु हैव अ बेगम। ये तो सारे वो, ये तो जो मुझसे सवाल करनी है तो आपको हुमायूं खान से करना है। उन्होंने ही तो मुझे कहा है कि ये सवाल करना है। नहीं, हम वी आर फ्रेंड्स। हमने एक दूसरे के साथ वादा किया है कि अगले 10 साल तक जिंदगी रही तो कौन सबसे स्मार्ट रहेगा। अच्छा, मरियम नवाज की अगर बात की जाए, उन्होंने अपने बेटी की शादी के ऊपर, ठीक है, इतना खूबसूरत गाना गाया। आप आज कोई गाना सुना दें, कुछ लाइनें? नहीं, मैं बिल्कुल गाना नहीं गा सकती। पश्तो में सुना? नहीं, मैं पश्तो में भी नहीं गा सकती हूँ। उर्दू में सुना? नहीं, मैं गाना नहीं गाती हूँ। इंग्लिश में मैं सुना? तकरीर कर सकती हूँ, मैं तकरीर कर सकती हूँ। मैं देखिए हर शख्स के अपने। कोई शेर सुना? हाँ ठीक है, ये ठीक है शेर था। अभी सुनाएंगी? अच्छा, मैं समझा कि ठीक है, कि बात खत्म हो गया। नहीं, हम तुमसे छीन लेंगे ये शान बेनियाजी, हम तुमसे छीन लेंगे ये शान बेनियाज़ी, फिर मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। वाह वाह, क्या बात है।